लौकी की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी, तो चलिए आज बनाते हैं बढ़िया टेस्टी और हेल्दी लौकी के पराठे। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगते हैं, एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आप सभी का रेसिपी अदरवाइज मेघा पर स्वागत है। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से आज की रेसिपी को देख लेते हैं। तो लौकी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 300 ग्राम की लौकी ली है। इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। अब हम इसके जो एंड वाले हिस्से हैं उनको निकाल देंगे और इसके बाद इसको छील लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो लौकी ली है वो थोड़ी पतली है, तो मैं इसके बीज नहीं निकालूंगी। लेकिन अगर आपके पास जो लौकी है वो थोड़ी मोटी है तो आप क्या करें कि उसका जो स्पॉन्जी पार्ट है बीज वाला, उसे निकाल दें, क्योंकि अगर उसका यूज किया तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने लौकी को छील लिया है। अब हम लौकी को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लौकी को कद्दूकस करने के लिए जो मीडियम साइज का ग्रेटर है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे साइज के ग्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो बड़े साइज का ग्रेटर होता है उसका इस्तेमाल हम लौकी को कद्दूकस करने में नहीं करेंगे। अगर बड़े साइज के ग्रेटर का इस्तेमाल किया तो पराठे अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बीच वाले ग्रेटर का यूज़ किया है, ये बारीक वाले और बड़े वाले का यूज़ नहीं किया है। लौकी को कद्दूकस करने के बाद अब हम इसका पानी नहीं निकालेंगे, यानी कि इसको निचोड़ेंगे नहीं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 6 से 7 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से क्रश करके डालेंगे, इससे पराठों में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो अभी हम 1 कप गेहूं का आटा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से लौकी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आटा गूंथने के लिए यहाँ पर हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लौकी के अंदर काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर होता है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 कप आटा और ऐड किया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इसका आटा गूंथेंगे। तो आटा अभी मुझे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, तो यहाँ पर मैं 1/4 कप के जितना आटा और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। रोटी के आटे से थोड़ा टाइट डो लगाकर हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, पर पूरी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए तो आटा थोड़ा और सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है और इतना आटा गूंथने के लिए मेरा यहाँ पे 1 कप और 3/4 कप आटे का इस्तेमाल हुआ है। हो सकता है आपका थोड़ा ज़्यादा लगे या फिर कम लगे। आटा गूंथने में हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब हम आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, अब हम इसे एक बार दोबारा से अच्छे से गूंथ लेंगे और इसके बाद रोटी के साइज़ के पेड़े जितने बड़े पेड़े हम पराठे के लिए बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से पेड़े बनाकर हमको सारे तैयार करने हैं। अब हम इसे सूखे आटे में अच्छे से कोट कर लेंगे और इसके बाद बिल्कुल उसी तरह से बेलेंगे जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। रोटी के साइज़ जितना ही हम इसे बेल के तैयार कर लेंगे। रोटी बेलने के लिए बीच में सूखा आटा डस्ट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रोटी बना के तैयार कर ली है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। अब हम इस रोटी पे थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आधे हिस्से में फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद दोबारा से घी को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे दोबारा से सूखे आटे में अच्छे से कोट कर लेंगे और इसके बाद इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप का पराठा बनाया है,
आप चाहे तो स्क्वायर शेप का, सर्कल शेप का भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उस शेप का पराठा बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो पराठा है वो बनके तैयार हो गया है, अब हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवे को पहले से ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि पराठे की दोनों साइड्स को 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। इसके बाद घी, बटर या फिर कुकिंग ऑयल को पराठे की दोनों साइड्स पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हल्के ब्राउन स्पॉट्स आने तक इन्हें सेक लेंगे। वैसे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बटर या फिर कुकिंग ऑयल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से स्पैचुला से दबाएंगे ताकि पराठा काफ़ी अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराठा काफ़ी अच्छे से सिक गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इतने आटे से यहाँ पर मेरे पूरे 12 पराठे बन के तैयार हुए हैं और इतने पराठे बनाने के लिए पूरा जो टोटल टाइम मुझे लगा है वो 45 मिनट के आसपास है। तो आप भी एक बार ये पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।